सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में मज़े से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। क्या सीखेंगे? ए की मात्रा। तो बच्चों, ए की मात्रा हम ऐसे लिखते हैं और इसे हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, ए की मात्रा। तो देखो बच्चों, जब हम ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं तो इसे कैसे पढ़ते हैं? क और ए की मात्रा के, ट और ए की मात्रा टे, स और ए की मात्रा से, ख और ए की मात्रा खे, ब और ए की मात्रा बे, द और ए की मात्रा दे, प और ए की मात्रा पे, म और ए की मात्रा में, ज और ए की मात्रा जे। ये मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है। हाँ तो बच्चों, ये किसका चित्र है? सेब। स ए ब सेब। और ये क्या है? जेब। ज ए ब जेब। और देखो, इसमें जो ए की मात्रा है वो व्यंजन के ऊपर लगी है, सेब जेब। ये किसका चित्र है? पहचानो पहचानो। हाँ, पेड़। और ये क्या है? शेर। प एड़ पेड़, श एर शेर। तो बच्चों, ये क्या है? केला। और ये क्या है? रेल। क ए ल आ केला, र ए ल रेल। तो बच्चों, ये क्या है? सफ़ेद। इस चित्र में कोई रंग नहीं है, तो ये चित्र कैसी है? सफ़ेद। स फ ए द सफ़ेद। और ये क्या है? मेरे मुंह में तो पानी आ गया, जलेबी। ये क्या है? जलेबी। ज ल ए ब बड़ी की मात्रा, जलेबी। तो बच्चों, पहचानो ये किसका चित्र है? पहचानो पहचानो। इससे आपकी मम्मा आपके लिए रोटी बनाती हैं और इससे आपकी रोटी गोल गोल बनती है। हाँ, ये है बेलन। ब ए ल न बेलन। और ये क्या है? हथेली। हथेली। ह थ ए ल बड़ी की मात्रा, हथेली। तो बच्चों, आओ अब ये शब्द पढ़ें। सेब जेब, पेड़ शेर, केला रेल, सफ़ेद जलेबी, बेलन हथेली। तो बच्चों, आओ अब हम ये छोटी सी कविता करते हैं। आज की कविता का नाम है रेल का खेल। इसमें भी सारी जगह पे ए मात्रा का प्रयोग किया गया है। रेल का खेल, आ खेल रेल का खेल, मिलकर खेल पटरी पर भागे, आगे ही आगे तेरी मेरी रेल, हम सब की रेल। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज आपने ए की मात्रा अच्छे से सीख ली होगी। धन्यवाद बच्चों।